कृति नगर पुलिस चौकी क्षेत्र में जियो कंपनी का केबल डाल जमीन की खुदाई कर रहे ठेकेदार और उसके लोगों ने वार्ड 3 के पार्षद हरिओम तिवारी पर हमला कर दिया। पार्षद ने जमीन खोदने का परमिशन लेटर मांगा था। इसी बात को लेकर आरोपियों ने पार्षद हरिओम तिवारी को साइट पर बुलाया और हमला कर दिया। पार्षद हरिओम तिवारी पुलिस चौकी पहुंचे और दर्ज कराई। पूरे प्रदेश भर में जियो एवं अन्य टेलीकॉम कंपनियों के द्वारा केबल बिछाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और इन किसी भी कंपनियों के पास जमीन खोदने का परमिशन तक नहीं है। बावजूद इसके ये सभी कंपनियों के लोग बेधड़क बेखौफ होकर पूरे प्रदेश भर में रोड खोदकर सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करते और गड्ढे खोदकर हादसों को न्योता देते नजर आ सकते हैं। ऐसा ही एक मामला भिलाई नगर निगम के वार्ड 1 खमरिया में देखने को मिला, जहाँ वार्ड 3 के पार्षद हरिओम तिवारी के विरोध करने के बाद जियो कंपनी के कर्मचारियों एवं ठेकेदार द्वारा उन पर हमला कर दिया गया। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि मामला स्मृति नगर चौकी जा पहुंचा। दोनों ही पक्ष की माने तो ये दोनों एक दूसरे पर मारपीट और वसूली करने की बातें कह रहे हैं, परंतु किसी ठेकेदार और उनके कर्मचारियों द्वारा इस तरह किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा खुदाई की परमिशन देखने के लिए मांगने पर उसकी बेदम पिटाई कर देना कहीं न कहीं इन कंपनियों को संदेह के घेरे में लाता नजर आ रहा है। शायद ये कंपनियां खुदाई की परमिशन में लगने वाले शुल्क को बचाने के लिए ऐसा कर रही है या फिर कोई और बात भी हो सकती है। रविवार को वार्ड 3 के पार्षद हरिओम तिवारी वाड़े खमरिया में रहने वाली अपनी बहन के घर जा रहे थे, तभी उन्होंने जियो कंपनी के ठेकेदार और उनके कर्मचारियों को रोड के किनारे केबल बिछाने के लिए अवैध रूप से खनन करते हुए देखा। उन्होंने वहां रुक करके जनप्रतिनिधि होने के नाते उनसे खुदाई की परमिशन मांगी तो उन्होंने आधे घंटे का समय मांगा और आधे घंटे बाद ठेकेदार द्वारा हरिओम तिवारी को फोन कर संपर्क किया गया। उन्हें जगह पर बुलाया गया और जियो कंपनी के कर्मचारियों द्वारा हरिओम तिवारी पर हमला बोल दिया गया। इसकी शिकायत हरिओम तिवारी ने नगर चौकी में की है, जहां उनकी शिकायत पर FIR दर्ज कर 4 आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया गया है। वार्ड के पार्षद ने इस पूरे मामले की जानकारी मीडिया को दी है। भैया, विगत कई दिनों से मेरे वार्ड में और अगल बगल के वार्डों में जियो कंपनी द्वारा जो सड़कें हैं उसकी अवैध खुदाई की जा रही है। मेरे वार्ड में इन्होंने कल खुदाई किया। खुदाई करते समय मैंने इन्होंने से अनुज्ञा मांगा कि आपके पास नगर निगम का परमिशन है कि नहीं है जो आप ये सड़कों को खोद रहे करके, तो ये बोले कि हम दिखा रहे हैं करके और रात में चुपचाप ये गड्ढे को पाट के भाग गए। उसके बाद आज जब मैं अपनी दीदी के यहाँ खमरिया जा रहा था, वो सेम गेम जुनवानी की सड़कों की खुदाई कर रहे थे, तो मैंने इनसे अनुज्ञा मांगा कि बोला आप कल भी बिना अनुज्ञा के भागे हो, बोला आज आप अनुज्ञा दिखाइएगा। तो बोले ठीक है, हम अपने ठेकेदार को फ़ोन लगा रहे हैं, वो ला के आपको भवन अनुज्ञा खोदने का परमिशन दिखाएगा करके। आधे घंटे बाद इनका कोई ठेकेदार है पवन सिंह करके, वो लोग 5 से 7 लोग आए हैं और मेरे को फ़ोन लगाए हैं कि आप आ जाइए, आपको परमिशन दिखा रहे हैं करके। और मैं जैसे ही वहाँ गया हूँ, वहाँ ताबड़तोड़ लोग हमला चालू किए हैं। मैं था, पूरे गांव वाले पूरे वार्डवासी वहाँ पे गवाही है, फिर पूरे वार्ड वालों ने इनको पकड़ के चौकी लाया है, पूरे वार्ड वालों ने इनको पकड़ के चौकी लाया है। इनका डंडा जब्त है, इनका टंगिया जब्त है, हाथ बेल्ट से सबसे इन लोग मारपीट किए हैं। और मेरे साथ जो नागू करके एक लड़का था, उसके हाथ में टंगिया से हमला किया है। इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस से हम लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जो पुलिस अभी धारा लगाने का आश्वासन दिया है, उसी का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही धारा पंजीबद्ध हो जाएगा, आगे की कार्रवाई करेगी पुलिस की कार्रवाई से क्या लगता है, सही कार्रवाई करने की क्या? उसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी कार्रवाई का आश्वासन दे के हमको बैठा के रखा गया है, हम लोग उसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि सही कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही। अगर सही कार्रवाई अगर नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? सही कार्रवाई नहीं होगा तो हम पूरे वार्डवासियों के साथ मिलकर, पूरे भिलाई के हमारे जितने सहयोगी लोग हैं, सब पार्षदों के साथ चर्चा करके आगे की बातें करेंगे। वही नगर पालिका निगम भिलाई के MIC मेंबर लालचंद वर्मा ने भी इस तरह की अवैध खुदाई पर चिंता व्यक्त करते हुए इसकी वैधानिक जांच कराने की बातें कही एवं यदि सिस्टम में कोई त्रुटि पाई जाती है तो जल्द से जल्द उसे ठीक भी कराते हुए ऐसे कार्यों को बंद कराने की बातें कही है। जिस प्रकार से जियो कंपनी के द्वारा एवं एयरटेल के द्वारा बिना परमिशन लिए पूरे शहर में रोड की खुदाई करके जिस प्रकार से शहर का नुकसान पहुंचा रहे हैं, नगर निगम के आय में नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और साथ ही साथ यदि कोई जनप्रतिनिधि
अनुमति को लेकर के पूछता है तो उसके साथ में जियो कंपनी के जो गुंडे हैं वो जान से मारपीट करने का प्रयास किया जाता है। जिस प्रकार से आज हरिओम तिवारी के साथ में जियो कंपनी के गुंडों के द्वारा मारपीट किया गया है उससे जनप्रतिनिधि तो भयभीत हैं ही, साथ ही शहर के आम जनता भी भयभीत है। इस प्रकार जियो कंपनी के द्वारा गुंडागर्दी करना सरासर गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। निगम प्रशासन कहीं ना कहीं लचर है, ये परमिशन दे रही है नहीं दे रही है ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये लगातार एक लंबे समय से चलता आ रहा है। सही मायने में देखा जाए तो नगर निगम के द्वारा परमिशन नहीं किया जाता है, ये कलेक्टर के माध्यम से होता है। और ये पता चला है जानकारी में कि कलेक्टर महोदय के द्वारा भी जियो कंपनी को आज की तारीख में परमिशन नहीं दिया है। आज जहाँ जहाँ भी काम कर रहे हैं जियो कंपनी वो अवैध रूप से काम कर रही है, जिसका हम सब MIC मेंबर शहर के पार्षद सभी के सभी विरोध दर्ज करें। वहीं इस पूरे मामले की जांच उपरांत स्मृति नगर चौकी में प्रभारी युवराज देशमुख द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया और उन्होंने मामले की पूरी विस्तृत जानकारी मीडिया के समक्ष रखी। वार्ड नंबर 3 के पार्षद हरिओम तिवारी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि वार्ड नंबर 1 में जियो की केबल वायर बिछाने वाले गड्ढा खोद रहे थे, उसे परमिशन बिना परमिशन के गड्ढा खोद रहे धरने पर उनके ठेकेदार एवं कर्मचारियों द्वारा वार्ड नंबर हरिओम तिवारी से मारपीट की गई, जिसकी रिपोर्ट पर चौकी स्मृति नगर में प्रथम सूचना पत्र दर्ज की गई। इसके पूर्व भी बीते कई वर्षों से रास्ता चलते कभी नेशनल हाईवे पर तो कभी अंदरूनी सड़कों के किनारे ऐसी टेलीकॉम कंपनियों द्वारा खुदाई करते देखा जा सकता है, परंतु इनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। इनके पास इसकी अनुमति है अथवा नहीं है ये भी जांच का विषय बना रहता है। भिलाई क्षेत्र में पहली बार किसी जन प्रतिनिधि द्वारा ऐसा करने पर उसकी इस तरह से बेदम पिटाई कर देना कहीं न कहीं शासन प्रशासन को भी संदेह के घेरे में लेता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज़।